मिल्क केक। अगर आपको ये मिल्क केक खाना है तो मेरा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। हम मिल्क केक बनाने के लिए 1 लीटर होल क्रीम दूध लेंगे। इसको हम एक फुल फ्लेम पे अच्छे से उबालेंगे। ये हमारे दूध में एक उबाल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हम डालेंगे 4 टेबल स्पून। तो हम इसे एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक टेबल स्पून करके इसको 4 बार में डालेंगे और हिलाते रहेंगे। ये हमारा 4th टेबल स्पून है। अच्छे से हिला देंगे इसको। मिल्क पाउडर अच्छे से हिला लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून घी। इसको भी हम अच्छे से हिला लेंगे। ठीक है, अब अच्छे से उबाल आ गया हमारा। अब इसमें हम डालेंगे 6 टेबल स्पून शक्कर। इसको भी हम अच्छे से हिला लेंगे। ये हमारी शक्कर अच्छे से हिल चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नींबू का रस। इसको भी हम अच्छे से हिला लेंगे। अब हमारा दूध फट जाएगा और दूध फटने के बाद हम इसको जब तक हिलाएंगे कि ये गाढ़ा नहीं हो जाए। ये देखिए, हम दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है। अब इसी तरह हम चलाते रहेंगे इसको। ये हमारे मिल्क केक का दाना बनने लग गया है। ये हमने हाई फ्लेम पे चलाया है पूरे टाइम। तो अब इसको हम थोड़ी और चलाएंगे क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा दूध बाकी है और जब तक ये पूरा गाढ़ा नहीं हो जाता है तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है मिल्क केक। अब इसमें थोड़ी सी हम इलायची डाल देंगे खुशबू के लिए। आपको थोड़ा ज़्यादा ब्राउन चाहिए तो आप इसे और चला सकते हैं थोड़ा सा। ये हमारा मिल्क केक खाने के लिए रेडी है। इसको हमने एक डब्बे में निकाल लिया है। इस डब्बे को मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा था। और इसे आप गर्म खाना पसंद करते हैं तो आप इसे गर्म भी खा सकते हैं। अगर आपको ठंडा पसंद है तो इसे बाद में खा सकते हैं ठंडा करके।